तू मेरे गोदी में बैठ, तू यहाँ बैठ, यहाँ मैं जाऊंगी तो वीडियो कौन बनाएगा? बस अब मेरे को भी बैठने दे, हट। बैठगी अब मैं इसमें बैठ जाती हूँ। ओके ठीक है, बैठ जाओ इसमें। मम्मा बैठ जा। बैठो अपनी कुर्सी पे। हेलो दोस्तों, जय जोहार, राम राम। मैं गुब्बू और गुब्बू के भाई, हम तीनों ही ठीक है। आशा करती हूँ कि आप लोग भी सब बढ़िया होंगे। तो आज गुब्बू है मेरे साथ में गुब्बू वीडियो बनाएगी साथ में आपके। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम में जो दिखाना बेटे हो रही, मेरे को दिखाई पर ये पढ़ने दी, पढ़ने दी दोबारा से। हेलो दोस्तों, जय जोहार, राम राम। मैं गुब्बू और गुब्बू भाई, हम तीनों ही ठीक है। ऐसा करती हूँ कि आप लोग भी सब बढ़िया होंगे अपने घर परिवार में। तो आज फिर मेरे साथ है गुब्बू, आप लोगों का दिख ही रही है। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में जो हमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे दिक्कत होती है, आज उसके बारे में बात करूँगी मैं, है ना। तो बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। भाग गई गुब्बू। ऐसी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी के टाइम में पता नहीं पता, उधर पीछे गिर मत जाना। तो ऐसी क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे प्रेगनेंसी में शारीरिक व मानसिक दोनों ही परेशानियां आ जाती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों, पहली बात तो प्रेगनेंसी के टाइम में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं जिससे कि लेडीज़ को संभलना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे खास करके जो 3 महीने होते हैं शुरू के, उस टाइम पे गर्भपात होने का बहुत खतरा रहता है। तो इस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बाकी के टाइम पे भी ध्यान ही देना चाहिए 9 मंथ में पूरे। लेकिन आप बाद में इतना खतरा नहीं होता, शुरू के जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती है। इधर से दिखेगा बेटा, इधर बैठ। ओके हाँ, इधर से दिखेगा, वहाँ पास में मत जाइए, इधर बैठ जब दिखेगा। तो किस टाइम पे अपना ध्यान रखना चाहिए और किस टाइम पे नहीं रखना चाहिए और क्या क्या करने से बचना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले ही जो पॉइंट था वो मैं बता दूँ आपको, सीढ़ी चढ़ने उतरने में ध्यान रखना चाहिए। तो उसके बारे में, हाँ बेटा, हाँ दिख रहा है ये, इधर से दिखता है, इधर से मैं बाद में दिखाऊंगी, यहाँ बैठ जा। तो पहली जो है सीढ़ियों में चढ़ने उतरने टाइम ध्यान रखना चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके जो शरीर है उस टाइम पे काफ़ी नाजुक होती है और बेबी उस टाइम पे बढ़ना शुरू होता है ना। तो उस टाइम पे गर्भपात होने का खतरा भी काफ़ी होता है और शरीर नाजुक होता है। तो इस टाइम पे तो मुझे कुछ ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो बेबी बन रहा होता है तो उससे क्या है कि दिक्कतें पैदा हो सकती है आपको। ज़्यादा चढ़ने उतरने से प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है, जो प्रसव पीड़ा बोलते हैं वो, और उससे क्या होती है कि गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप एक तो सीढ़ियों में चढ़ते उतरने टाइम ध्यान दें, धीरे चढ़ें और जितना हो सके सीढ़ी चढ़ने और उतरने को अवॉइड करें। या फिर इस दौरान आप नीचे, अगर आपके घर में नीचे सीट चढ़ सकते हो, कोई रूम ऐसा है जो नीचे है, फर्स्ट मतलब
ग्राउंड फ्लोर पे है उसमें रह सकते हो आप इस टाइम पे, तो इससे क्या है कि आपकी ये जो दिक्कतें हैं वो कम हो सकती हैं। तो आप ये चीज़ करके देखिएगा और करके क्या देखिएगा, कर ही लीजिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके 3 महीने सही से निकल जाए इसके लिए, है ना। अब नंबर 2 की बात करती हूँ, भारी वजन नहीं उठाना, मतलब जो भार वाले वजन है उनको ना उठाना, क्योंकि दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे ज़्यादा भारी चीज़ें उठाना, झुक के उठाना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो पेट में है सूकड़न महसूस हो सकती है, मतलब आ सकती है। और भारी वजन उठाओगे तो जाहिर सी बात है आपको काफ़ी तकलीफ हो सकती है, क्योंकि झुक के उठाओगे उन चीज़ों को और पेट का सारा जोर घटे देख पेट का सारा जोर है जो पे सॉरी और जो भारी चीज़ का सारा जोर है, मतलब जो भी बाहर आएगा वो पेट पे आएगा, क्योंकि आप जिस तरह से दूध खाओ उस टाइम पे पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इससे क्या होता है, अगर पेट में मरोड़ उठने लग गए या संकुचन उठ गया तो उससे क्या होगा कि जो बेबी बन रहा है उसके लिए खतरा हो जाएगा और गर्भपात होने का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये लड़के मेरे को वीडियो नहीं बना के दे रही है, काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। तो आप जो है इस टाइम पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा भारी वजन नहीं उठाए तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि मैं भी सीढ़ियों से चढ़ने उतरने और भारी चीज़ें उठाने की गलती कर चुकी थी बेटू के टाइम पे, मेरे बेटे के टाइम पे, जिसकी वजह से वो गर्भपात होते होते, मतलब उस टाइम पर गर्भपात होते होते बचा है मेरा बेटा। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप अगर न्यू पेरेंट बन रहे हो या फर्स्ट बेबी है सेकंड बेबी है जो भी है तो वो उनको दिक्कत हो, ये नहीं चाहूँगी। अच्छे से बोलिएगा आपकी प्रेगनेंसी 9 मंथ, यही चाहूँगी। तो आप मेरी ये एडवाइस जरूर सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा। अब नंबर 3 बात करती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए जो काम होते हैं, मतलब बिजली के जो काम होते हैं उनको भी अवॉइड करें इस टाइम पे। बब्बो बेटा वीडियो बनानी तो मेरे को बना दे, तो मेरे को काम है ना उसमें। नहीं बेटा, हाँ तो बैठी शांति से। तो बिजली का जो भी काम होता है उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती है। बब्बो मैं पिट्टी करूँ क्या डंडा ला के, सॉरी दोस्तों। नंबर 3 की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का काम होता है उनसे जुड़े हुए काम होता है उनको अवॉइड करें। और कोई भी अगर ऐसा तार वार पड़ा है आपके आसपास जिसमें करंट आ सकती है आपको लगता है, तो उन चीज़ों को मत छुए। चल रहे औलाद, काम ही नहीं करने देती, चाहती क्या है तू? है तो इसमें दूध पी क्यों नहीं लेती, इसको दूध दूध कर रही है। ले लेट जा, क्योंकि जो बिजली के काम है उनमें भी आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। और भी जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी से आपको झटके भी लग सकते हैं, क्योंकि कहीं भी कुछ गड़बड़ हुआ, जरा सा भी आपको टच करेंट से हुआ तो आपको तो खतरा होगा ही, साथ में आपकी बेबी को भी काफ़ी खतरा होगा, उसकी जान भी जा सकती है, गर्भपात भी हो सकता है और झटके से शॉक लगने से हो सकता है वो इस दुनिया में आने से पहले ही समाप्त हो जाए। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के जो काम है उनको अवॉइड कीजिए, जैसे खुले तार या कुछ भी ऐसा चीज़ आपको दिखता है उनको बिल्कुल ही मत टच कीजिएगा। और सर्दी के टाइम पे अभी क्या है, अब तो खैर गर्मी आ जाएगी, लेकिन सर्दी के काम पे टाइम पे क्या है, रोड होते हैं जो पानी गर्म करने के, उसको भी अपन लगाते रहते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड करें। मेरी सलाह तो यही है, क्योंकि मेरे को तो उस चीज़ से काफ़ी डर लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं पता, लेकिन उस चीज़ से मुझे हद से ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि उससे करेंट भी आ सकता है, झटके भी लग सकते हैं। और कभी कभी तो मुझे इतना डर लगता है उसको छूने में कि मैं छूती ही नहीं हूँ। तो आप इन चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा जितना हो सके उतना, है ना। तो करते हैं
तो केमिकल से जुड़ा हुआ जो काम होता है ना, अब मैं बताती केमिकल से जुड़ा हुआ काम, जैसे कोई केमिकल चीज़ है जिससे आपको जलन हो सकती है, या फिर अब बात करते हैं चौथे नंबर की, तो चौथे नंबर की बात करूँ तो केमिकल से जुड़ी हुई चीज़ों को अवॉइड करें। अब केमिकल की कुछ केमिकल जो है ज्वलनशील होते हैं, जैसे कि आप मान लो तेजाब को अपन छुएंगे तो उससे नुकसान ही होता है, उसी तरह से कुछ केमिकल ऐसे भी होते हैं जो बेबी के लिए भी सही नहीं होता और आपके लिए भी सही नहीं होता। जैसे कि अगर कोई केमिकल ऐसा है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, तो वो आपके शरीर स्वास्थ्य से या फिर नाक के अंदर से वो पूरे शरीर में जाएगा, और शरीर में जाएगा तो उससे आपको भी नुकसान होगा, आपके बेबी को भी नुकसान होगा। तो आप ऐसी कोई भी केमिकल यूज मत कीजिए जिससे कि आपके शरीर में वो चीज़ें जाए और बच्चे को नुकसान हो, क्योंकि कोई भी ऐसा केमिकल आप यूज कर रहे हो जिससे कि बेबी को नुकसान हो, तो वो क्या है, गर्भपात होने के जो चांसेस हैं उनको बढ़ा देगा। तो आप इस टाइम भी कृपया करके, अगर आपके घर में कोई भी केमिकल चीज़ है जिससे आपको लग रहा है कि खतरा हो सकता है बेबी को, तो उन केमिकल चीज़ों को पैक करके रख दीजिए थोड़े दिन के लिए पैक करके रख दीजिए। ऐसे केमिकल चीज़ों को यूज ना करें आप लोग, है ना, और यही ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आप गलत चीज़ों को यूज करोगे तो आपको ही हानि है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ने में मेरी हेल्प करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके मेरी वीडियो की, और जो वीडियो है उनको लाइक भी ज़रूर करें। मैं लाइक भी आती हूँ शाम के टाइम पे, या फिर जिस दिन मुझे मौका मिलता है उस दिन मैं लाइव भी आती हूँ। कभी कभी नहीं आ पाती हूँ, लेकिन जब मेरे को मौका मिलता है मैं ज़रूर आती हूँ लाइव। तो लाइव भी आइएगा अगर आप में से कोई आ सकता है तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।